तुम्हारी ग्रामर मतलब आ कि गई। तुम रिकॉर्डिंग करते हो? तुम नहीं करते हो, तुम करते हो। हम ये सब नहीं करते। अरे रे रे हमको जो वाह, लड़ना ठगोगे रहता जी। है। साला बिहार बिहार को ठग लिए, कर्नाटका को ठग, को उधर ठग लिए, चेन्नई को ठग लिया, कहाँ ठगोगे? पूरा भारत ठगोगे। ठग ऑफ मतलब कि इंडिया तुमको मनीष कसम। मुझे हाँ 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 गाय बात और बात। गाय के साथ कैसे तुम लोग किए, क्या किए बजरंग दल के अरे भाई नाम से सुन ना, सारा। हम सबूत के साथ अब अरे तुम ही से पहले लड़ लेंगे, तुम ही लड़ से ही पहले लो, लड़ तुम्हारा लो ही सच्चाई बाबू, सामने ला अरे देंगे, बाबू लड़ ठीक लो। है? कैसे गाय के नाम पे तुम लोग तुम लड़ हिंदुवादी बन के लो, गाय को बेच बेच के तुम धर्मांतरण लड़ करा लो, करा अगर के तुम्हारे तुम्हारे धर्मांतरण। बाजू में ताकत है ना, तुम लड़ लो। हाँ समझ हम तो गए? लड़ ही रहे हैं भाई, तुम हम लड़ जितना, रहे हैं। सुनो और सुनो सुनो सुनो, ए हम इतना हम चिंतिया, ए सुन सुनो लो, ना, एक तुम एक जितना चीज जान चिंतिया लो। बना रहे हो चंपारण के लोग को, अरे जितना तुमको बच्चा क्या को तुम्हारे जरूरत है? पीछे अरे से सुनो शलग तुम घुमा के तुम खराब कर दिए, तुम अच्छे अच्छे अच्छा लोगों को केस में फंसवा दिए, ला मंदिर का रहे नाम ना पर चंदा खाए। तुम तुम कब बेतिहारा बड़ा रमना में तुम राम तुम राम साबित यात्रा निकालने के लिए चंदा खाए हो, तुम कहाँ पर तुम जाओगे साबित चंदा करो ना खोल के? तुम एक जगह तो एक हमसे जगह। बात कर रहे हैं, हाँ आप अपना दिन भुला गया है तुम? ठीक है। हम चमचा है किस साले का? लगो हाँ फोन। ठीक है। वाले मनीष नहीं है, अब हम दूसरे वाले मनीष हो गए हैं। बहुत सारा अनाप शनाप बात बोला, बदले में हमने भी प्रतिकार के रूप में जिस लहजे में उसने बात किया उसी लहजे में उसको उसकी औकात दिखाई। इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा मनीष कश्यप और एक बजरंग दल के कार्यकर्ता रमन गुप्ता। इन दोनों का ऑडियो एक काफी तेजी से वायरल हो रहा है और उस ऑडियो में दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है कि एक दूसरे का पोल किस तरह से खोल रहे हैं, किसने चंदा चोरी किया तो किसने जो कि गौरक्षक के नाम पर क्या कुछ अपराध किया, पूरा एक दूसरे का काला चिट्ठा जो कि खोल रहे हैं और ये ऑडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। आप लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है, इस ऑडियो को सुनना बहुत ही जरूरी है, तभी आप लोगों को पूरा जानकारी मिलेगा कि किस तरह से बाहर दिखता है कुछ और अंदर है कुछ और, इस तरह का लोगों का चरित्र जो कि सामने आया है। मनीष कश्यप और एक रमन गुप्ता नाम का दो शख्स के अंदर मोबाइल पर बहस होते हैं, तू तकर होते हैं और किस तरह से एक दूसरे का काला चिट्ठा खोल रहे हैं, किस तरह से जो कि एक दूसरे का पोल जो कि खोल रहे हैं, पूरा जानकारी इस वीडियो में देखने को मिलेगा। मैं इस ऑडियो का पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन जब बजरंग दल के रमन गुप्ता से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हाँ मनीष कश्यप और मेरे बीच इस तरह से तू तकर का बातचीत हुआ था। उन्होंने पुष्टि किया था कि हाँ इस तरह का बातचीत हुआ था मनीष कश्यप से और मनीष कश्यप उसे किस तरह से धमकी दे रहे थे और उन्होंने फिर मनीष कश्यप को क्या कुछ कहा है, पूरा जानकारी पूरा मतलब कि ऑडियो आप लोग को इस वीडियो में सुनने को मिलेगा। सबसे पहले मनीष कश्यप ने रमन गुप्ता को कॉल किया था और बीजेपी में शामिल होने के मुद्दे को लेकर यहाँ पर बातचीत हुआ था कि कितना करोड़ तुमने डिमांड किया था, मनीष कश्यप से पूछा था, मनीष कश्यप ने क्या कुछ जवाब दिया है और कुछ देर तक बातचीत हुआ था, फिर फोन कट गया था। उसके बाद फिर दोबारा रमन गुप्ता ने मनीष कश्यप को कॉल किया और फिर आगे क्या कुछ बातचीत हुआ है पूरा जानकारी इस वीडियो में देखिए, फिर आगे आप लोग को मैं दिखाऊंगा वो वीडियो, रमन गुप्ता ने क्या कुछ कहा है वीडियो में, पूरा वीडियो भी दिखाऊंगा आगे, तो देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक। जय श्री राम। हेलो, जय श्री राम। कितने का डिमांड किया था मैं? आप ही ना जानते हैं, हम ही जानते हैं, सब धागा खोल देंगे हम। आप धमकी? वो मनीषवा मत, हाँ जो समझिए समझ लीजिए, नगर निगम में कैसे भ्रष्टाचार फैला है ना, समझे ना, धमकी नहीं दे रहे हैं, आप हाँ ऐसा आरोप नहीं लगा सकते हैं। अभी जायसवाल जी को फोन कर रहे हैं हम, करिए ठीक है? करिए। आ इसको धमकी मत समझिएगा, इसको विनती समझिएगा। हम कौन सी रमन का? गुप्ता नहीं है जो अपने आप का अपना ईमान बेच रहे, हाँ कौन सी का जी? ठीक, मनीष कश्यप है। कौन सी ने ईमान बेच दिया है? कौन सी, कैसे लिख दिया तुम? हाँ नमस्ते, कैसे लिख दिए, हिम्मत कैसे हुआ तुमको लिख देने में? किसका नाम लिख लिखे हैं जी? किसका नाम उसने बताते बात हैं करो हम? उसने, हाँ वो उसमें बात कर रहे हैं, उसमें हाँ उसमें उसने उसमें उसमें नाम लिखे उसमें किसी का? हाँ ये चुतियापा नहीं चलेगा, मुंह में राम बगल में छुड़ी वाला कहानी नहीं चलेगा। तो तुम्हारा नाम लिखे हैं जी? अरे मनीष कश्यप, अब दूसरा मनीष कश्यप है, तुम्हारा नाम लिखे हैं? वो मत समझना मनीष कश्यप है, ठीक है? हाँ ये चीज है, फोन करके खेला खेली मत करो, सामने से आके फोन बतिया। करके हमसे खेला खेली आ रहे हैं बेटिया, आओ ना, आ रहे हैं बेटिया, आके बतिया लो सारा सामने। जितना नगर निगम का बजट है ना, हाँ सारा बजट हम सबके सामने, अरे लोगों हम के सामने चाहते ला हैं रहे हैं। यार, आओ ना, तुमको तो कई बार बुलाए कब हैं। आए हो? बुलाए हो, बुलाए नहीं है, तो चुनाव सामने में कर नहीं सकते बोले हो, थे तुमको हम? सामने कर सकते हो तुम? चुनाव में कोई नहीं बुलाया था तुमको? तुम बहुत बड़ा नेता हो ना, आओ ना नगर हाँ निगम में, खोलो हाँ खोलो, हम चाय एकदम भी कर रहे हैं, खोलो एकदम 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 एकदम, एकदम आ रहे जल्दी हैं। आओ बेटिया भाई, को नरक बना के तुम लोग रख दिए हो, जल्दी आओ अपना जल्दी। देखते नहीं हो, चरित्र चाल चरित्र देखते नहीं हो, कुछ हुआ शुरू कैसी हो का गए चाल सोशल मीडिया पे, चरित्र? शुरू हो गए सोशल कैसी मीडिया का पे। चाल चरित्र? हाँ ला कैसी रहे का हैं चाल हम, चरित्र? सब सबके सामने ला रहे हैं ना। ला अभी ला तो हम जल्दी। अभी 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 जायसवाल जी को भी कॉल कर रहे हैं, अरे जिसको करना है करवा, जल्दी ला, ठीक हम है? इंतजार कर रहे हैं, समय बताओ, हाँ ठीक है, समय बता के बात करो हमसे। हाँ आ रहे हैं अरे हम आ रहे हैं जल्दी आ, बेटे, जल्दी यार, हाँ ये चीज इंतजार है, है। कब आओगे ये बताओ। ई सब इतना शिक्षा लेदर, मतलब इतना मतलब कि अब समझे में नहीं आता है, मैच्योरिटी तो जिंदगी में कहीं आएगा नहीं, ना ना सही आएगा बात नहीं, है। कोई अरे सबूत है तुम्हारा नाम किसने लिए पैसा हैं मांगा ये? है? हाँ
कोई सबूत है? तो तुम्हारा नाम लिए मतलब रे रहा करोगे तो तुम क्या करो? तुम तो करो, तुम रे नहीं करेंगे, तुम क्या हो? तो तुम वही औकात कहीं वो ही तुम तुम्हारा औकात कितना है? तुमसे अच्छा है मेरा औकात? ठीक है तो बता दो तुम्हें कितना डिमांड की औकात, बताओ अपना। वही ना, हम फोन करके बतिया लिया। क्यों नहीं बतियाएंगे? तुम दम बतियाओगे? क्यों नहीं बतियाएंगे? बताओ तुम्हारा डिमांड क्या था? तुम्हारा तुमको बताते हैं नाम डिमांड क्या था? देखो ना बताते सामने का बतिया, तुम्हारे बाजू में ताकत था। ए है सामने आ जाओ, अभी इस स्क्रीनशॉट को भेजते हैं हर जगह। भेजो ना यार, दौड़ है। ठीक है, हम चमचा है किस साले का। रखो फोन। ठीक है, हेलो। क्या बोल रहे थे मनीष कश्यप जी आप? तो वही जो सुन रहे थे आप। कहा कैसे आरोप लगा सकते हैं किसी पे? क्यों जी आरोप लगाए हैं? कितना डिमांड हुआ है? हाँ, हम सुने 2 करोड़ डिमांड हुआ है। आप सुने हैं? हाँ। कौन हरामखोर दिया है? कौन दिया है, कौन हरामखोर लिया है, तो हरामखोर ना बताएगा लोगों। हाँ, हम तो सुने 2 करोड़ का डिमांड हुआ था। ठीक है, हाँ, तो बता दो ना कि कौन डिमांड किया हुआ तुम्हारा। एक मैं बात बताता हूँ। तुम थॉमसन से बात कर रहे हैं? अपना दिन भुला गया है तुम? तू मेरे लिए क्या किया है रे? क्या किया है? मेरा जान बचाए हैं जिस दिन श्रीनगर जिस दिन श्रीनगर में तुम पहला बार लोग को चुतिया बनाया गया था, चंपारण के लोग को श्रीनगर झंडा फहराया। अरे यार सुनो बात हमारी, बताओ तुम अपनी माँ का कसम खाओ ना कि तुम्हारा जान हम नहीं बचाए हैं डलजी में। तुम शाम को फोन किया, रात में सुनो सुबह तक जगाए हो। सुनो तुम अपनी माँ का कसम खा के बोलो कि 2 करोड़ रुपया मैं लिया हूँ। हम लिए हुए बोले हैं, हम कहीं डिमांड हुआ ऐसा बात आया है। अच्छा, तुम कसम खा के अपनी माँ का कसम खा के बोलो कि 2 करोड़ रुपया का डिमांड हम किए हैं। तो तुम ना बताओ यार, हम तुमसे पूछ रहे हैं कि तुम कितना डिमांड किया है। कैसे ऐसे कर सकते हो? क्या बोलेंगे? सूत्र के हवाले से खबर आ रहा है। सूत्र के हवाले से खबर आ रहा है? कौन सूत्र है? कौन से सूत्र है? सब तुमको बता दिया। सूत्रों के हवाले से खबर आ रहा है कि बेतिया नगर निगम के उप मेयर जो है ना, वो कम से कम 20 करोड़ रुपया का उगाही कर चुके हैं। अपनी माँ का तुम औलाद है ना, आके खोल पोल। हम तो चाह रहे हैं तुम बोले तुम खोला था नगर निगम में। सुनो हमारी बात, सुनो तुम अपनी माँ का औलाद हो ना तो 2 करोड़ रुपया का बात साबित करो। अरे यार, तो सेकेंडरी है, पहले प्राइमरी में हो ना। प्राइमरी तो पहले तुम शुरू किए हो ना, हम थोड़े शुरू किए। हम तो कुकुर बिला रहा सुअर के बारे में पोस्टो नहीं करते। अरे भाई, तुम कुकुर बिला रहे वाला कौन है? तुम्हारा जान बचाने वाला जो आदमी है तुम। यार तुम्हारा अपना औकात है यार। तुम्हारा क्या औकात है? 2 नंबर दावा बेचने वाला आदमी। सुनो ना, 2 नंबर दावा बेचने वाला 2 नंबर सब व्यवस्था होगा ना। 2 नंबर दवा बेच बेच के लोगों का मरीज का खून चूस चूस के तुम हम लोगों से बोलोगे? गाय और गाय के साथ कैसे तुम लोग किए, क्या किए बजरंग दल के नाम से? सारा हम सबूत के साथ। अब तुम ही से पहले लड़ लेंगे, तुम्हारा ही सच्चाई सामने ला देंगे। ठीक है, कैसे गाय के नाम पे तुम लोग हिंदुवादी बन के गाय को बेच बेच के धर्मांतरण करा करा के बाजू में ताकत है ना, तुम लड़ लो। चंपारण के लोग को जितना बच्चा घुमा के तुम खराब कर दिए, तुम अच्छे अच्छे लोगों को केस में फंसवा दिए। तुम्हारा सच्चाई नहीं जानता हूँ, फंसवा दिया। तुम ये कह रहे हो कि हम तुम्हारा जान नहीं बचाए हैं। खाओ अपनी माँ का कसम, तुम्हारा जान नहीं बचाए। माँ का कसम खाओ ना, मेरा जान बचाया। एकदम बताए हैं हमको सलाह रात के 11 बजे तुम मैसेज करो मैसेंजर को कि हमारा जान खतरा में, हम डल झील में, हम सलाह वहाँ गश्ती भेजवा दिए से बात करके। तुम भेजवाए हो यार, क्या बात? तुम लोग से चंदा लेके गए, तुम झंडा गाय को बेचने वाला, गाय को बेचने वाला, 2 नंबर दावा बेचने वाला, 2 नंबर दावा बेचने हमको तुम बेचने वाला पटना पीएमसी में, तुम पटना पीएमसी में चंदा खाए, तुम बेतिया बड़ा रमना में तुम राम राम यात्रा निकालने के लिए चंदा खाए हो। तुम का बेतिया चंदा करो, एक जगह साबित करो, साबित करे, एक जगह साबित करो। क्या चीज बताओ? हम आ रहे हैं, एसपी साहब से भी मिलेंगे, मिलो नहीं मिलेंगे, तुम ही जानते हैं एसपी को। हाँ ठीक है, हम भी जानते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है। सुनो तुम कर रहे हो कोची, तुम रामना में बैठक करके राम रथ यात्रा के नाम पर चंदा उगाही नहीं किए? किससे? तुम तिरंगा झंडा के नाम पर चंदा उगाही नहीं किए? किससे? तुम साबित करोगे? एकदम साबित करेंगे, बिना नंबरिंग तुम रसीद छपवा के। हम तुमसे क्यों हुए? हम मेरे साथ तुम खेल मनीष कश्यप और सुनो, मैं चोर चोर चाहे तो नहीं रखता हूँ, चोर चट्टा ये हो तुम। 2 नंबर दावा करने का चोर को नहीं रखता हूँ। क्या बोलिया तुम हमसे? तुम हमको हम तुम अलग क्यों हुए? तुम राम जी के नाम पर चंदा उगाही करने वाले थे, हम अलग हुए। हम बोले कि नहीं, हमको हम इस काम नहीं करेंगे। सुनो तुम मेरा विरोध, तुम लोग के लोग चुतिया बनाओगे हमसे नहीं। जानते हो क्या विरोध करते हैं? विरोध नहीं करते हम, साइलेंट। 2 नंबर दावा बेचते थे तुम और मैं उसका विरोध करता था। अरे तुम तमीज खराब किए हो, तुम्हारा रिकॉर्डिंग नहीं है हमारे पास कि कौन तुम तम किया? हम तुमसे बोले हाँ मनीष जी बोलिए क्या।
मतलब तुम करो, मतलब, तुम कैसे लिख दियो रे, तुम मालिक है हमारा, तुम रिकॉर्डिंग करते हो, तुम नहीं करते हो, तुम करते हो, हम ये सब नहीं करते। अरे रे रे, जो लड़ना रहता है सामने सामने लड़ लेते, तुम नहीं करते हो रिकॉर्डिंग। अरे यार, 1000 चूहा का हज के चलोगे, कहाँ कहाँ लोग ठगोगे जी, साला बिहार को ठग लिए, कर्नाटका को ठगे, उधर ठग लिए, चेन्नई को ठग लिए, अब कहाँ ठगोगे, पूरा भारत ठगोगे, ठग लिया चकोड़ा इंसान, तुमको मालूम नहीं है, तुम चला मजदूर के, तुम आवाज उठाए हो। अरे जब तुम मेयर में डिप्टी मेयर में खड़ी थी तो तुम ही ना फोन करके बोल रहे थे कि वोट दिलवा दीजिए मनीष जी, तो कहां तुम दिलवा दिए हमको वोट, कि अपने बाजू बल पर जीते हैं, अपने व्यवहार पर जीते हैं रे चुट्टा, तुम अपने व्यवहार पे जीते हो, तुम्हारे व्यवहार पे जीते हैं, तुम अपने व्यवहार पे जीते हो, किसके व्यवहार पे जीते, तुम्हारे व्यवहार पर, मनीष कसम हमारे लिए वोट मांगा है, सही मांगे हो जी, चलो भूल गए तुम अपना दिन, कहिए मांगे हो, बताओ ना, दिन याद करा दो हमको, हम तुम्हारा दिन याद करा रहे हैं कि जिस दिन तुम चंदा मांग के गए थे श्रीनगर, उस दिन तुम्हारा जान बचाए, मांगे तो तुम दिए थे लोग से, तुम अपने दोस्त यार, तुम मांगे हो रहे छोटा, तुम क्या बतियाओगे, तुम बेतिया में आए, सुनो सुनो, उसके बाद तुम बेतिया में आए हो, मुझे पता है तुम लोगों को जलन किस बात का है, काजी का जलन है, तुम मुझे पता है, मुझे काजी का जलन है, अरे तुम वही का वही रह गए, आगे बढ़ गया, इसी बात का जलन, अब लोग नटी है कि नहीं, हम आगे बढ़ गए, आयांश के नाम पर करोड़ रुपए उगाही कर लिए तुम, तो तुम साबित कर दो ना भाई, नहीं साबित कर दो ना, क्या हुआ आयांश का, काहे नहीं वीडियो बनाते हो, एक बाप का औलाद हो, काहे नहीं बनाते हो, आयांश मर गया कि जिंदा है, काहे नहीं बनाते हो, रमन गुप्ता ने तो फिर समझे ना, तुम तमीज खराब किए हो, हम तमीज से बात करते हैं, बहुत बढ़िया से व्यवस्था कर देंगे, कुछ नहीं होगा तुमसे हमारा, जिस दिन सामने सामने हो जाना ना, अभी आ रहे हैं हम, परसों नरसों आ रहे हैं, आओ ना यार, तुम्हारे ही पास आएंगे सबसे पहले, आ जाना है, तुम्हारे पास ही आएंगे, एकदम आ जाना है, हम भी देखते हैं, आ जाना, सुनो 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 सुनो, किसी के माँ और बाप के ऊपर नहीं जाते हैं, ये हम नहीं गए, ये हम तुम्हारे बाप को कभी नहीं गए, हम तुमको बोले कि अपने बाप के बेटा, हम सुनो 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 सुनो, रमन को हम गाली दिए उनको, हम हमारे संस्कार के बारे में कुछ बोले, अरे मेरे भाई, तो हम कहा तुम्हारे पिताजी के बारे में कुछ बोले, तुम्हारी माताजी के बारे में बोले, कभी नहीं बोल सकते, हम भी नहीं बोल सकते, हम तुम्हारी माँ क्या बोल रहे हो, तुम अपने बाप के औलाद हो, तो अब फिर वही बोल रहे हो, तो गंदा बात है, तुम अपने पिताजी का नाम पूरा प्रचार करते हो कि हम फौजी का लड़का है, तो वही बात हो, तो हम भी करेंगे, तुम अपने फौजी बाप के औलाद हो तो तुम करो, तुम नगर निगम में एक बार हल्ला हंगामा किए थे जेई के खिलाफ, सुनो सुनो हमारी बात पूरा होने दो, उसके बाद तुम क्या किए, क्या किए उसके बाद, क्या किए उसके बाद, उसका फॉलोअप किए, हमको भी मालूम है, फिर जेई आ गया है, जेई को हटवा दिए, उस जेई को नहीं पता है तुमको, फिर वही जेई है, तुम हटवाए हो, संजय जायसवाल बने जी, हम तो उड़ गए 22 साल से, कौन हटवाया था, नहीं जय श्री राम वाले हैं, हमसे जय श्री राम पर बोल रहा है, समझ गए, तुम हमसे हवा में मत उड़ो, जायसवाल जी हटवाए हैं, और फिर तुम्हारे जानकारी के लिए बता दें, हम जानकारी दुरुस्त करोगे, फिर वही जेई आगे काम कर रहा है, अगर तुम बोले ना नगर निगम घोटाला उजा करेंगे, हम तुम्हारे सामने नतमस्तक हो जाएंगे, तुम आओ असल हो तो, और नगर निगम का सारा घोटाला उतारो, तुम्हारा जो भी मदद होगा ना हम करेंगे, इतना हमारे पास हमको 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 तुम ये सुनो सुनो कमीजे से बात कर रही यार, तुमसे पति हम कौन है कि तुमसे ठीक है, तो सुनो ना सुनो ना सुनो सुनो ना सुनो, हम तुम्हारे बारे में आज तक कुछ पोस्ट पास्ट हम तुम्हारे बारे में किए हैं, हाँ किए हैं, नाम लिए हैं, अरे मनीष कश्यप नाम हम लिखे हैं, बताओ देखो बताओ, सुनो ना सुनो ना, तुम जितना बताओ हमारा नाम जितना बताओ, अच्छा मुझे फोन करके कौन बुलाया था एक महीना पहले, मनीष कश्यप मिलना चाहते हैं, हम बुलाए थे, अच्छा क्रिया खा के बोल दो, हम बुलाए थे तुमको फोन करके, हाँ सामने वाला फोन किया था, कोई बात की तो हम बोले हाँ, एक बार कौन सामने वाला फोन किया था, अरे जो तुम्हारे पास फोन करता है लोग वही फोन किया था, हम तुमको फोन किया, हमारे पास नंबर नहीं है तुम्हारे पास, तुम्हारा तुमको हम फोन किए थे एक ही समय अपने चुनाव के समय में, कि मनीष थोड़ा हमारा मदद करो, हम एकदम पढ़ रहे हैं, तुमने बोला कि हम चुनाव के फेर में नहीं पढ़ रहे हैं, तो ये बोले थे एकदम बात कि हम चुनाव के फेर में नहीं पढ़ रहे हैं, तो हम बोले ठीक है मत पढ़ो जाओ, ठीक है रमन गुप्ता, तुम फोन करके धमकी दे रहे हो, तुम समझ रहे हो कि ये थी है लोग चंदन उपाध्याय फलना टीम का सचिन तेंदुलकर, हम तो धमकी मत देना, प्रेम से मांगो जान दे देंगे तुम्हारे लिए, अरे समझ गया ना, तुम क्या देते हो, लेकिन चकोड़ा ही करोगे ना तो बर्दाश्त नहीं होगा, तुम खुद ही चकोड़ा हो यार, अरे भाई पूरा दुनिया जानता है यार, ठीक है ना, पूरा दुनिया जानता है कि बेतिया में 2 नंबर दावा बेच के जो है कौन, सुनो एक फेसबुक पे हम भी पोस्ट डाल दे रहे हैं जैसे तुम डाले हो ना, कि बेतिया में गाय का तस्करी कौन करवाया, ठीक डाल देते हैं, डाल नहीं यार, बता देगा, ठीक है ना, डर है हमको, हम भी डाल देते हैं, एकदम डलवाओ, अभी तुरंत डाल दो, हम देखते हैं तुम डाल रहे हो कि नहीं डाल रहे, ठीक है डालो, ठीक है, हमसे कभी धर्मांतरण कौन करवाया, धर्मांतरण कौन करवाया, कन्वर्जन कौन करवाया, जैसे नाम बोल के कन्वर्जन कौन करवाया, लोग बता देंगे, सुनो ना अगर तुम्हारे गुद्दा में ताकत है ना तो नाम लिख के लिख दो, जैसे तुमने पोस्ट किया है ना, तुम्हारे गुद्दा में ताकत है तो नाम लिख के, हम तो ताल टोके करेंगे, हमने नाम नहीं लिखा है तुम्हारा, तुम झूठ मूठ नाम तो बॉस कर रहे हो, अरे हम कर रहे हैं, फोन किए हमको, हम कर रहे हैं, तुम तुमने फोन किए, अभी फोन तुम किए, अभी तुम किए तो तब हम किए हैं, देख लो यार, अरे यार तो तुम इससे पहले किए, हम दो आदमी के संग थे, इसीलिए हम सोचेंगे आराम से तुमसे बात करते हैं, तुम्हारा औकात तुमको बता देते हैं कि तुम्हारा क्या औकात है, तुम कहाँ कहाँ चकोड़ाई किए हो, पीएमसीएस से लेकर के बेतिया लोहियरिया से लेकर के पुरुषोत्तमपुर तक,
बेतिया जेके कॉलेज से लेकर के चनपटिया जैसे, तुम जैसे नेताओं का जो है ना, मैं नेता नहीं है, सुन सुन सुन, हम नेता नहीं है, हम कार्यकर्ता हैं। फोन करके वोट मांग रहे थे हमसे, हम अपनी माँ के लिए मांग रहे थे, तुम नहीं किए, तुम नालायक निकले, छोड़ दिए, तुम सबको नालायक निकले की नालायक लोगों का हम मदद नहीं किए, मत करो, तुम्हारा मदद लोग कर रहे हैं ना कि नहीं कर रहे, हमारा तो करियर है, पूछ रहा है हमको, हमारा तो मदद करियर है, तुम्हारे कौन समझित लोगों का मदद नहीं करता है लोग, नालायक तुम्हारे कौन समझित गए, फिर तमीज, तुम कहोगे तो ठीक है, हम कहें खराब हो गए हैं, हम अभी कुछ नहीं बोले, एकदम तुम बोल रहे हो नालायक लोगों का मदद नहीं किए हो, तो नालायक लोगों का तुम मदद नहीं किए, अब आदमी तुम्हारे मदद समझित है कि अपने दम पर जीते हैं, अपने व्यवहार पर जीते, रमन गुप्ता आप तुमको देख लेंगे, बस देख ले भाई, हम आ रहे हैं, ये सारा रिकॉर्डिंग जो है हम भेजेंगे, रिकॉर्डिंग नहीं करते प्रशासन को भेजेंगे, रिकॉर्डिंग नहीं करते, तुम ही बोल रहे हो ना, तुम ही बोल रहे हो ना कि तुम रिकॉर्डिंग किया हो, जयसवाल जी के सामने भी हम जाएंगे और बोलेंगे कि ये क्या चल रहा है, जाओ ना यार, ठीक है, मना कर रहे हैं, जयसवाल जी के सामने जाओ, अमित शाह के सामने जाओ, अब इसके बाद से फोन मत करो, अरे हम करते हैं, तुम छोटा चौड़ा को हम फोन करते हैं, अच्छा तुम फोन किया, सुनो ना, तुम अपनी माँ का कसम खा के बोलो कि पिछले 2 साल में किसने फोन किया है किसको, हम बता रहे हैं ना, कॉल हिस्ट्री कम से कम तुम्हारा 20 फोन आया होगा और हम 1 फोन किए हैं, वोट मांग रहे थे कि नहीं, ईमानदारी से बोलो, चुट्टा हम तो बोल रहे हैं कि हम फोन किए तुमसे मदद मांगने के लिए, तुम कथी हमसे जानवाना चाहता है, तुमने बोला कि हम चुनाव के फिर में नहीं पड़ेंगे, हम बोले छोड़ो गोली मारो, पैसा लेके हम बैठे हैं, चलो रखो फोन, हमारे पास पूरा व्यवस्था करेंगे हम, अरे उखाड़ लेना, जाओ सामने से बतिया लेना, फोन सुनो ना, सुनो ना, सुनो ना, कसम खा के तुम माँ कसम खा के बोलो, तुम माँ कसम खा, तुम्हारा जान नहीं बचाया है, अरे नहीं बचाए हो यार, झूठ बोल रहे हो तुम, बचाए सुनो सुनो, बिरजेश झा अभी जिंदा है दिल्ली में, कहो तो लाइन पर लेंगे उनको, तुम्हारा जान कौन बिरजेश झा है, कभी बातचीत मेरा नहीं हुआ यार, तुम तो बहुत गाय के लिए जब भी कुछ होता था तो मनीष कश्यप के पास फोन करते, तुम्हारे पास फोन करते थे, अच्छा सुनो ना, सुनो ना, सुनो ना, सुनो ना, सुनो ना, तुम जिला संयोजक हम बनवाए पूर्णिया में, हम कभी बने ही नहीं यार, हम बनवाए थे, तुम पूर्णिया में बने ही नहीं, तुम पुनिया गया था कि नहीं गया था, किसके कारण तुम्हारे साथ थोड़ी गए थे यार, हमें ना भेजा था तुमको, अरे यार क्या जा रहे, दीपक जी जा रहे हैं, चल जा, दीपक भैया तुमको भेजे, दीपक भैया बोले कौन भेजा था, हाँ लो कौन भेजा था, हमने भेजा रमन, अरे तुम्हारे कहने पे तो हम कहीं नहीं जाएंगे, हमारे कहने पे तुम गया था, सुनो ना, सुनो ना, सुनो ना, सुनो ना, एक चीज डिटेल्स निकाल लिया जाए कि कौन किसको कितना, दीपक भैया जिंदा नहीं रहेंगे तब डिटेल्स निकालो यार, अरे नहीं नहीं फोन का डिटेल्स निकाल लिया जाए ना, मेरा नंबर वही 6 साल 7 साल से है, तुम्हारा नंबर वही 6 साल 7 साल से, किसने किसको फोन किया, हम तो बोल रहे हैं चुनाव में हमने फोन किया, 200 फोन आया होगा कम से कम तुम्हारा अभी तक, 200 से ऊपर आया होगा, चुनाव के समय में सिर्फ 50 फोन किए थे, 20 दिखा दो, तुम्हारे 20 तो चुनाव, 20 से ज्यादा तो चुनाव के समय तुम फोन किए थे, हम मना कर दिए, तुमको जो है खुन्नस हो गया, मनीष का सेट हो रहा है, अच्छी जगह पे जा रहा है, अच्छा काम कर रहा है, तो तुम बात पहुंचाने आ गए, तुमसे हमको, तुम हमारा कोची है, तुमसे कौन कॉम्पिटिशन है हमको भी, अरे जितना जो है ना 2 नंबर दवा बेचते हैं ना, उन लोगों के खिलाफ मुहिम ना चलाए हैं, तुम क्या करते हो, अब काहे मुंह खुलवाओगे, पूरा लोग जानता है, पूरा बिहार जानता है, अस्थिर रहो, पूरा बिहार जानता है, तभी तो लोग मेरे साथ हैं, ऐसा ऐसा जगह मत हाथ डालो कि फिर तुम्हारे लिए खतरा हो जाए, गलत हो जाए, हमारे लिए खतरा क्या होगा, हमारे लिए खतरा क्या होगा, क्या होगा, तुम उल्टा सीधा बात करोगे, तुम हमको फोन कर सुनो कि हम हाफ देंगे, हम हवा जाएंगे, तुम समझा जाएंगे, तुम्हारे हम बोले ना, तुम्हारे बाजू में आप जान में ताकत है, सामने आके बतियाना हम, अरे आ रहे हैं यार, आ रहे हैं, आ रहे हैं, समय देके आना, हम रहेंगे, देखो वाह क्या संस्कार है, बढ़िया संस्कार तुम्हारा है इसमें, तुमने पहले तुम तम किया, मनीष जी, अरे मैंने 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 पोस्ट किया है, मनीष जी जिंदगी में मैंने पोस्ट किया, अरे मेरे भाई, हमने भी नहीं किया, पोस्ट किया हो मेरे बारे में, नहीं किए, हम किसी का नाम नहीं लेते, तुम्हारा नाम ले लेते, दिखाओ नाम के साथ तुम्हारा, हमको बोलिए तो हम भी बताएंगे, पहले अपना खोज लो, आने दो सुन लो भाई, सुनो आने दो, तुम ढूंढ लो, दिखा दो कि रमन गुप्ता ने कभी मनीष कश्यप का नाम लेकर किया है, उसके बाद तुम बताओ हमसे, हां लेकिन कभी भी अपने मर्यादा में रहोगे, बात को तुम अगर तुम तम नहीं किए रहते हैं, सुनो मनीष कश्यप, सुनो तुम अगर तुम तम नहीं किए रहते इतना नहीं बोलते हम, खास की हम इतना नहीं बोलते हैं, तुम तम क्यों, हमारे साथ 2-3 आदमी हमारे गेस्ट था, क्या बोलते हो, क्या करते हो, धर्मांतरण के नाम पे कैसे पैसा खाए हो तुम लोग, तुम ला रहे हो सारा डिटेल्स ला रहे हैं, इसीलिए तो हम सिस्टम में घुस रहे हैं, कैसे कैसे पैसा खाए लोग, उसके बाद से दवा का दुकान खोले लोग, 2 नंबर दवा बेचे लोग, 2 नंबर दवा बेच के पैसा कमाए लोग, पैसा कमा के जो है नगर निगम का चुनाव लड़े लोग, चुनाव के दौरान जो है हम जैसे लोगों को फोन करके रिक्वेस्ट किया लोग, जब हम जैसे लोग जो है साइड रहे, हम लोगों को गरिया रहे हो सोशल मीडिया पे, हम गरिया रहे हैं, हम गाड़ी को गरी गर्ल्स करते हैं, तुम कितना बड़ा ईमानदार का पराकाष्ठा हो पूरा लोग जानता है, देखा आप लोगों ने किस तरह से मनीष कश्यप और रमन गुप्ता के बीच बातचीत हुआ, किस तरह से बहसबाजी हुआ, किस तरह से तू तकर हुआ,
पूरा जानकारी आप लोगों को मैं देने की कोशिश किया। आप लोगों का क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए इस मुद्दे को लेकर, कि इस तरह का लोग जो कि अंदर बाहर कुछ और दिखते हैं और अंदर कुछ और है, इस तरह का जो कि बयानबाजी सुनने को आया, तो आपका क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और आगे देखिए रमन गुप्ता का वो वीडियो जहाँ पर वो कह रहा है कि मनीष कश्यप और मेरे बीच इस तरह के बातचीत हुआ था मोबाइल में ऑडियो में, तो देखिए इस वीडियो में किस तरह से रमन गुप्ता क्या कुछ बयान दे रहे हैं। चंपारण के लोगों की भावनाओं से खेलने वाला एक ठग जिसने अपने आप को स्वघोषित सन ऑफ बिहार घोषित कर रखा है, उसने मेरे पास फ़ोन किया और फ़ोन करके धमकी भरे लहजे में बोला कि मैंने कितने का डील किया है बताओ, नहीं तो तुम्हारा धागा खोल देंगे। ये बात कैसे आई कि जब वो भाजपा ज्वाइन करने वाला था निर्दलीय से, तो काफ़ी सारा चर्चाएं चंपारण के अंदर चल रही थी फेसबुक पे मीडिया पे, उसी में किसी ने ये पूछा, हमसे ही पूछा था मेंशन करके कि भाई साहब आप कुछ जानते हैं बताइए कितने का डील हुआ। मैंने सीधे स्पष्ट शब्द में बोला था ये लंबा डील है, मेरे समझ से परे है। यही बात उसको इतनी नागवार गुजरी कि सुबह में हमको फ़ोन करके ये धमकी भरे लहजे में कह रहा है क्या कि कितना का डील हुआ है बताओ, नहीं तो तुमको हम देख लेंगे, चंपारण आके तुमको देख लेंगे, हमारा हम पहले वाले मनीष नहीं हैं, अब हम दूसरे वाले मनीष हो गए हैं। बहुत सारा अनाप शनाप बात बोला, बदले में हमने भी प्रतिकार के रूप में जिस लहजे में उसने बात किया उसी लहजे में उसको उसकी औकात दिखाई और उसके सभी काले कारनामों को जो मेरी जानकारी में थे मैंने उजागर किया और उसको बोला भी कि मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ कि तुम आओ और हमारा जो भी तुम उसमें कर रहे हो, शिकायत कर रहे हो, जो भी घोटाला उजागर करना चाहते हो आगे तुम करो और नहीं तो हम तुम्हारा कार्रवाई करेंगे। यही सब बात हुआ तो अहंकार कूट कूट के भरा हुआ है। अभी पार्टी वो ज्वाइन नहीं किया तब इतना अहंकार है। इस अहंकार के बारे में पार्टी के शीर्ष नेताओं को भी इसके बारे में सोचना चाहिए कि वो कैसे एक बजरंग दल के कार्यकर्ता को पार्टी ज्वाइन करने से पहले धमकी दे रहा है। देखा आप लोगों ने रमन गुप्ता ने क्या कुछ कहा, पूरा जानकारी आप लोगों को मैं देने की कोशिश किया। आप लोगों का क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए ताकि हर किसी के पास पहुंचे और इन लोगों के जो असलियत है, इन लोगों का जो सच्चाई है वो हर किसी को पता चले। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह की अपडेट खबर सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो फिर मिलते आप लोगों के साथ अपडेट खबर लेकर।